एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम हनीफ इब्राहिम है, मैं करीमाबाद से कराची से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, मैं इस्तमा का मरीज हूँ, सांस की जो बीमारी होती है इस्तमा का, ठीक है, तो क्या मैं इस रोजे के दौरान इनहलर या पंप ले सकता हूँ? ठीक है जनाब, शामिल करते हैं आपके सवाल को, बहुत शुक्रिया। मैंने चाहा कि सारे सवाल मिल जाएं तो फिर मुफ्ती साहब की खिदमत हाजिर। जी, रोजे में देखें कोई भी लिक्विड दवा अगर अंदर जाएगी, चाहे वो गैस की शक्ल में, वो लिक्विड ही होती है, गैस बन जाती है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। अच्छा, ये रोजा रखें, अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तो फिर वो पंप लेकर रोजा टूट जाएगा, बाद में उसकी कजा कर लें और ये गुनाहगार नहीं होंगे। बेहतर है कि सहरी बंद होने से पहले एक दो दफा पंप ले लें। हमारी वालदा को भी ऐसे मसाइल था, थोड़ा सांस का था, तो ले लिया करती थी, तो सारा दिन आराम से गुजर जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें।